साल 1995 में आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म डीडीएलजे का क्रेज आज भी बरकरार है। यही वजह है कि किंग खान के 57वें बर्थडे पर यशराज ने डीडीएलजे को थिएटर्स में दोबारा दिखाने का फैसला लिया है। भले ही फिल्म को देश भर में बेहद कम स्क्रीन मिले हों, लेकिन इसके बावजूद 2 नवम्बर को डीडीएलजे को ऑडियंस से बेहतर रिस्पॉन्स मिला। फिल्म ने महज एक दिन में ही 23 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बेहद कम स्क्रीन मिली थी। इसके बावजूद पीवीआर में फिल्म ने 13 लाख, आईनॉक्स में 5.5 लाख और सिनेपोलिस में 4,40,000 रुपए की कमाई की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 नवंबर को लगभग 23,000 लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंचे। शाहरुख के बर्थडे के मौके पर फिल्म को महज 112 रुपए में दिखाया जा रहा था। देशभर में फिल्म के ज्यादातर शो हाउसफुल रहे। इसके साथ ही डीडीएलजे शाहरुख खान के करियर और हिंदी सिनेमा दोनों की ही एवरग्रीन ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। तुझे देखा तो ये जाना सनम।